नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। चार पैसे कमाना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे माँ बोलती हैं कि बेटे चार पैसे नहीं कमाएगा तो जिंदगी कैसे चलेगी, या कभी कभी हम बोलते हैं कि जिंदगी में चार पैसों की जरूरत तो होती ही है। हम ना तो कभी तीन पैसे बोलते हैं, ना कभी हम पांच पैसे बोलते हैं, हम चार पैसे ही क्यों बोलते हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जिंदगी में चार पैसे कमाने ही बहुत ज्यादा जरूरी है। चार पैसे क्यों? पहला पैसा कुएं में डालने के लिए, दूसरा पैसा पिछले कर्जे देने के लिए, तीसरा पैसा होता है भविष्य में जो कर्जा देना है उसको देने के लिए, और पांच जो चौथा पैसा होता है वो चौथा पैसा कि जब हम इस दुनिया में ना रहें उस समय का भी जो बचाया हुआ कर्जा है या उस समय जो हमारे काम आए वो कर्जा देने के लिए। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला पैसा जो जिंदगी में कमाना होता है वो कमाना होता है हमारे को जिंदगी में जो ये पेट रूपी कुआं दिया है ना परमात्मा ने, उस कुएं को भरने के लिए। और दूसरा पैसा हमारे को जीवन में कमाना होता है पिछले कर्ज को मिटाने के लिए। अब पिछला कर्ज कौन है? पिछला कर्ज है हमारे माता पिता। उनका कर्ज बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से उन्होंने हमें पाला पोसा, किस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर कौन कौन से उपकार किए हैं, हम कभी उसका मोल नहीं चुका सकते। फिर भी जो दूसरा पैसा है वो दूसरा पैसा होता है हमारे माता पिता की सेवा के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए। और तीसरा पैसा होता है हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए। जी हाँ, यानी कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी अर्धांगिनी के लिए, हमारे लाइफ पार्टनर के लिए। और चौथा पैसा होता है हमारे भले कार्यों के लिए, हमारे आध्यात्मिक कार्यों के लिए, कि जिसको हम दान पुण्य कर सकें, जिससे कि हम जीवन में जब वापस जाएं तो वो जो चौथा पैसा है वो हमारे जीवन में काम आ सके। इसीलिए माँ कहती है बेटा चार पैसे कमाया कर, कभी ये नहीं कहती दो पैसे कमाया कर, चार पैसे कमाया कर। क्योंकि चार पैसे जब हम कमाएंगे तो लोक और परलोक दोनों का कार्य सिद्ध हो जाता है। जी हाँ, पर उस कार्य, उस पैसे को कमाने के लिए, उस चार पैसे को कमाने के लिए कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। तो इस चार पैसे को कमाने के लिए हमें स्वार्थी नहीं, जब भी हम समाज का कोई भला कार्य करते हैं तो एवज में स्वतः ही परमात्मा खुश होकर उस चार पैसे का इंतजाम हमारे लिए कर देते हैं। हमें चाहिए निस्वार्थ भाव से अपने कार्यस्थल पर भी काम करें, जिससे कि परमात्मा के हाथों वो चार पैसे हमारे को मिल सके। ये विचार कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। और कुछ लोगों को जो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि करके सिर्फ अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, उनको भी इस कहानी को, इस विचार को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।